सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही कांग्रेस लगता है धर्म निरपेक्षता की तरफ अब लौट आई है। राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमकर अब अपने को जनेऊधारी बताकर हिंदुत्ववादी होने का दावा करते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अब खुद को धर्म निरपेक्ष बता रही है। देखिए कांग्रेस की दोहरी सियासी चाल। भारत माता की जय बोलने में कांग्रेस को शर्म। कांग्रेस वालों चुल्लू पर पानी में डूब मरो, भारत माता की जय बोलते हुए आपको शर्म आती है। चुनावी जीत के लिए कांग्रेस का जात वाला चोला। नरेंद्र मोदी जी किसी तरह की हिंदू की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों का काम नहीं। लौट कर कांग्रेस सेक्युलर कार्ड पे आई। फॉर कांग्रेस पार्टी ईच रिलीजन इज इम्पोर्टेंट। धर्म जाति देखकर चुनावी चेहरा बदलती है कांग्रेस। मुसलमान समाज के अगर 90% वोट नहीं पड़े तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। सुविधा के हिसाब से कांग्रेस कहीं जाति का संभालकर रही है तो कहीं धर्म का, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो खुद को सेक्युलर बताती है। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे गुलाम नबी आजाद से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कांग्रेस को धर्म निरपेक्ष पार्टी बताया। We believe in inclusive politics. We believe in inclusive India. For Congress party, each religion and each section of the society is important. गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी को धर्म निरपेक्ष बता रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव से पहले क्या कहा था, जरा ये भी सुन लीजिए। मुसलमान समाज के अगर 90% वोट नहीं पड़े तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप तो 80 की बात कर रहे हो, मैं तो 90 की बात कर रहा हूँ और हमारे सामने आंकड़े हैं। चुनावी मौसम में राहुल गांधी ने जब राजस्थान के पुष्कर में पूजा की तो खुद को दत्तात्रेय गोत्र का कश्मीरी ब्राह्मण बताया, हालांकि उनका जनेऊधारी ब्राह्मण अवतार गुजरात चुनाव में ही सामने आ गया था। उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊधारी हिंदू हैं। कांग्रेस नेता सीपी जोशी ने तो राजस्थान चुनाव में प्रचार करते हुए ये तक कह दिया कि धर्म की जानकारी सिर्फ ब्राह्मण को ही हो सकती है। ये अजीब देश हो गया, इस देश में उमा भारती लोधी समाज की है वो हिंदू धर्म की बात कर रही है, साध्वी जी किसी धर्म की वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी किसी धर्म की हिंदू की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों का काम नहीं। धर्म और जाति के नाम पर कांग्रेस को घेर रही बीजेपी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी कांग्रेस की घेराबंदी की है। कांग्रेस वालों चुल्लू पर पानी में डूब मरो, पानी खाने का आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस की राजनीति थाली के बैगन जैसी हो गई है, जैसा देश वैसा भेष, जैसे लोग वैसे बोल। अब चुनावी मौसम में जाति और धर्म की सुविधा वाली राजनीति कांग्रेस के कितने काम आएगी, इसका फैसला 11 दिसंबर को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।